सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और वहाँ लिख देंगे सरसाई, एंटर करेंगे, सरसाई की वेबसाइट आएगी। सरसाई की वेबसाइट पर जब हम क्लिक करेंगे तो सरसाई की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। यहाँ देखेंगे पब्लिक सर्च का ऑप्शन है और यहाँ है क्लिक हेयर टू यूज़ दिस फंक्शनलिटी। तो हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक सर्च में ही जाना है और क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। वेलकम टू पब्लिक सर्च, सर्च के तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एसेट बेस्ड सर्च, डेटा बेस्ड सर्च और व्हीकल बेस्ड सर्च। यानी अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सर्च करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे तो ये ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने क्या लोन ले रखे हैं, उस पर क्या एंट्री हो रखी है सरसाई में उसके नाम के अगेंस्ट, तो यहाँ क्लिक करके हम पता कर सकते हैं। और अगर आप कोई व्हीकल सेल परचेज़ कर रहे हो किसी भी तरह का और आप जानना चाहते हो कि उस व्हीकल पर कहीं लोन तो नहीं चल रहा, तो उस व्हीकल का नंबर डाल के हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब मैं एसेट बेस्ड सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। एसेट बेस्ड सर्च पे देखिए जो भी हम सर्च करेंगे उसके ये पाँच स्टेप हैं। पहले हमें यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल डालनी है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है वेरीफिकेशन। तीसरा है पेमेंट करनी है हमें ऑनलाइन 11.80 रुपये की। चौथा है पेमेंट करते ही सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और पांचवा आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। अब पहला है यहाँ पे स्टेट, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एड्रेस भी यहाँ पे आए, सिंपल सा एक सवाल आएगा मैथमेटिक्स का, आप उसको एंटर कर दें, ठीक है। अब ये दिखा रहा है, सेकंड पॉइंट आ गया है, नाउ इज़ आस्किंग फॉर ए पेमेंट ऑफ 11.80 रुपये। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोसीड टू पे। ये हमारे सामने विंडो आ गई है पेमेंट की। हम क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे तो ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी और हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर्च रिजल्ट्स में यहाँ लिखा रहा है नो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द सेंट्रल रजिस्ट्री मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। यानी कि इस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई भी लोन किसी बैंक ने यहाँ सरसाई में एंटर नहीं किया हुआ है। फिफ्थ स्टेज है रिपोर्ट की। रिपोर्ट के लिए यहाँ पर आएंगे, डाउनलोड सर्च रिजल्ट फॉर द एसेट। इसमें देखिए ऊपर सरसाई का एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है और सर्च रिजल्ट्स फॉर मैचिंग प्रॉपर्टी, ये रेफरेंस नंबर आ गया है, सर्च डेट आ गई है, आज 17 मई को सुबह 8 बजे मैंने सर्च किया है। पेमेंट डिटेल आ गया है कि 11.80 रुपये पे किए गए थे। प्रॉपर्टी डिटेल्स में बता रहे हैं कि किस कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी का एड्रेस था जो सर्च की गई थी। और यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आ रहा है रिपोर्ट में, नो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड। एसेट बेस्ड सर्च के बाद हम देखते हैं डेटा बेस्ड सर्च का ऑप्शन। डेटा बेस्ड सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ गई है हमारे सामने। डेटा टाइप, कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं, उस कंपनी पे क्या लोन चल रहे हैं, तो कंपनी का CIN नंबर यहाँ डालेंगे। कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस कंपनी का, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। कंपनी के अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसे LLP बोलते हैं, LLP का नेम यहाँ डालेंगे। अगर इनके अलावा कोई और है, कोई इंडिविजुअल को आप जानना चाहते हो किसी इंसान के बारे में या किसी और फर्म के बारे में, तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ डालेंगे। व्यक्ति है तो उसका पैन नंबर यहाँ डलेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे उस व्यक्ति का, या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे अगर किसी और टाइप की फर्म है तो, और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तीसरा ऑप्शन है व्हीकल बेस्ड सर्च। व्हीकल बेस्ड सर्च में आप जिस भी गाड़ी को देखना चाहते हो उस पर कोई मॉर्गेज क्रिएट तो नहीं हो रखा सरसाई में, तो आप उस गाड़ी का नंबर यहाँ पे डालोगे, जो भी उस गाड़ी का नंबर है ये एंटर करोगे यहाँ पे, जो भी आ रहा है सम टोटल, फिर सर्च करोगे तो बाकी का जो प्रोसेस है वो यूं का यूं रहेगा जैसे हमने एसेट बेस्ड सर्च में देखा था।